हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ पीआईबी 24/7। मैं हूं मनीष मिश्रा एंड इन दिस सेशन आई विल ब्रिंग टू यू फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम द पीआईबी न्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद क्वेश्चन नंबर वन। सो इंडिया रिसेंटली हैज साइंड अ हिस्टोरिक अग्रीमेंट कॉल्ड म्यूचुअल लॉजिस्टिक्स सपोर्ट अग्रीमेंट विच इन शॉर्ट इज MLSA विद विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इन जून 2020 टू अलाउ एक्सेस टू मिलिट्री बेसिस फॉर लॉजिस्टिक्स सपोर्ट। राइट, so let us discuss about this agreement. So the agreement signed is what? Mutual Logistics Support Agreement which India and Australia have signed. Alright, and this has been done to allow access to military bases for logistics support. जो military bases हैं दोनों countries के, वो एक दूसरे के military bases को access कर पाएंगे for logistics support. This was agreed upon at the first ever virtual bilateral summit between India Prime Minister Narendra Modi and Australian Prime Minister Scott Morrison. अभी recently दोनों के बीच में virtual bilateral summit हुआ था जिसमें इस चीज को agree किया गया and India has already signed similar agreements with the US, France and Singapore. And what is the significance of this agreement? So guys, this agreement will facilitate reciprocal access to military logistics facilities like food, water, petroleum, spare parts and other components. It will allow more complex joint military exercise. It will improve interoperability between the security forces of the two nations. Dono nations ke beech mein jo interoperability hai usko improve kiya ja sakega. Peacekeeping ho sakegi and humanitarian assistance and disaster relief operations ko madad milega and there will be scheduled deployments of military platforms and any other exigent situations that may arise. Jo koi bhi military platform hai ya koi bhi agar एग्जिजेंट सिचुएशन अराइज होती है तो उसके लिए ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म इन दोनों के पास प्रोवाइडेड होगा। एंड अदर देन दिस, बिसाइड्स MLSA, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैव साइंड सिक्स मोर एग्रीमेंट्स विच आर ऑन साइबर एंड साइबर इनेबल्ड क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, माइनिंग एंड मिनरल्स, मिलिट्री टेक्नोलॉजी, वोकेशनल एजुकेशन एंड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सो ये कुछ और एग्रीमेंट है जो कि साइन किए गए हैं MLSA के अलावा। सो देयरफॉर गाइस, द करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया इज द करेक्ट आंसर। और आपको इसके फ्लैग, जो बैकग्राउंड में फ्लैग है उसको देख के समझ जाना चाहिए था। सो द आंसर इज व्हाट? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर थ्री। सो कैन यू टेल मी द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? राइट डाउन इन द कमेंट्स द नेम ऑफ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। इन एन एफर्ट टू गिव अ पुश टू डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेटिंग अप अ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ रुपीज 500 करोड़। डिजिटल पेमेंट्स को पुश करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को सेटअप कर रहा है जिसका कोर्पस है 500 करोड़ का। और हमें आइडेंटिफाई करना है ट्रू स्टेटमेंट्स अबाउट दिस फंड मैनेजमेंट। ऑलराइट, सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस फर्स्ट। इन एन एफर्ट टू गिव पुश टू डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, द आरबीआई इज सेटिंग अप अ पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ऑफ रुपीज 500 करोड़। आरबीआई गवर्नर इज मिस्टर शक्तिकांत दास and RBI is headquartered in Mumbai. So can you tell me the number of deputy governors in RBI? RBI ke andar kitne deputy governors hote hai? Write down in the comments. Now in this payment infrastructure development fund, what will happen? The POS machines that will allow businesses to accept e-payments, thereby reducing the need to deal in cash. Is POS machine jo hai, inka jo infrastructure hai usko aur zyada develop kiya jayega ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन इसका यूज कर सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिल सके। ऑलराइट, दिस फंड हैज बीन क्रिएटेड टू एनकरेज एक्वायरर्स टू डिप्लॉय POS और वी कैन से पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ फिजिकल एंड डिजिटल इन टीयर 3 to tier 6 सेंटर्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। बेसिकली अभी ये है कि ज्यादातर जो POS मशीन है वो tier 1 और tier 2 जो स्टेट्स हैं या जो एरियाज हैं केवल उनमें ही लगा हुआ है। अब tier 3 से लेकर tier 6 सेंटर्स और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट को बढ़ाया जा सके। ऑलराइट, एंड जो आरबीआई की क्लासिफिकेशन ऑफ tier 1 to tier 6 सिटीज वो ये है। tier 1 सिटीज वो है जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख या उससे ज्यादा है, 1 लाख एंड अबव। tier 2 सिटीज आर दोज विद पॉपुलेशन 50,000 to 5 times 9। tier 3 सिटीज 20,000 to 4,99,999। tier 4 सिटीज आर 10,000 to 19,999। tier 5 5,000 to 4 times 9। एंड tier 6 आर दोज विच हैव पॉपुलेशन लेस देन 5,000। सो ये क्राइटेरिया है ऑफ आरबीआई ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ 6 tiers। ओके, नाउ व्हाट इज द नीड ऑफ दिस स्टेप? सो गाइज, नीड ऑफ द स्टेप इज दैट
मोस्ट ऑफ द POS टर्मिनल्स इन द कंट्री आर कंसंट्रेटेड इन टीयर वन एंड टीयर टू सिटीज। केवल टीयर वन और टीयर टू सिटीज और टाउन्स में ही ज्यादातर POS टर्मिनल्स हैं, तो उसको फैलाने के लिए टीयर थ्री से लेकर टीयर सिक्स सिटीज तक ले जाने के लिए और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक ले जाने के लिए इसको किया जाएगा। एंड अदर रीजन हैव बीन लेफ्ट आउट, दस देयर वॉज नीड टू क्रिएट सच अ काइंड ऑफ फंड फॉर सच सिटीज। नाउ व्हाट आर द की हाइलाइट्स? सो दिस फंड विल बी गवर्न्ड थ्रू एन एडवाइजरी काउंसिल एंड इट विल बी मैनेज्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI will make an initial contribution of Rs. 250 crore which will cover half of the fund and the remaining contribution will be taken from card issuing banks and card networks operating in the country. Okay, तो जो initial contribution है 250 crore रुपए का वो RBI द्वारा दिया जाएगा और जो बाकी contribution है 250 crore रुपए का वो किससे लिया जाएगा? जो card issuing banks है या फिर जो card networks operator है हमारे देश में। RBI will also contribute to yearly shortfalls if necessary. अगर कोई yearly shortfall होता है तो अगर जरूरत पड़ेगी तो RBI will also contribute to it. And it is being set up according to the recommendation of the Digital Payments Committee headed by Nandan Nilekani. एक Digital Payments Committee बनाई गई थी chaired by Nandan Nilekani. उनकी report की recommendation के आधार पे इस चीज को किया जा रहा है. Okay. So now let's move on to the question. So the question was we have to identify the correct statement regarding the fund management. So statement number one is RBI will make an initial contribution of 250 crore. Yes, absolutely correct. Remaining contribution will be taken from sellers and buyers. No. RBI will also contribute to yearly shortfalls. Yes, this is absolutely correct. So therefore, guys, the correct answer will be what? Option B, only 1 and 3. Option B, only 1 and 3. Option 2 हमारा incorrect है because जो remaining contribution है वो card issuing company से लिया जाएगा. Okay? Now let's move on to question number 3 which is about the 6th mass extinction जो कि शुरू हो चुका है हमारी धरती का। ऐसा कहना है एक रिसर्च का कि हमारे जो अर्थ है उसका मास एक्सटिंक्शन शुरू हो चुका है फ्रॉम द 1800 से ही हम मास एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके पीछे उन्होंने कुछ एविडेंस भी दिए हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ द प्रपोज्ड 6th मास एक्सटिंक्शन। जो भी 6th मास एक्सटिंक्शन हो रहा है या इन फ्यूचर होगा उसका प्राइमरी कॉज क्या है? So guys, this ongoing 6th mass extinction may be one of the most serious environmental threats to the persistence of civilization according to the new research which was published in the journal Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA. एक journal है जिसका नाम है Proceedings of the National Academy of Sciences, USA का है ये। उसमें इस रिसर्च को पब्लिश किया गया है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस मास एक्सटेंशन, ये होता क्या है? So it refers to a substantial increase in the degree of extinction or when the earth loses more than 3/4 of its species in a geologically short period of time. एक geologically short period time में जब earth अपने 3/4 यानी 2/3 species को अगर वो 3/4 का मतलब 3/4 species को अगर lose कर देता है या फिर there is a substantial increase in the degree of extinction तो उसको हम कहते हैं mass extinction. So far During the entire history of the earth, there have been 5 mass extinction. जो हमने आपने सबने सुना होगा कि डायनासोर्स का जो extinction हुआ था वो भी एक mass extinction ही था। The former 5 extinctions have led to the destruction of 70 to 95% of the species of plants, animals and microorganisms that existed earlier. जो इससे पहले के 5 mass extinction हुए उसमें 70 to 95% species का जो है वो खात्मा हो गया था। And the previous 5 over the past 450 million years, including the one that wiped out the dinosaurs, were all due to natural events. अभी तक जितने भी 5 events हुए हैं, वो सारे के सारे किस वजह से हुए हैं? Natural events के वजह से हुए हैं. But ये जो हमारा 6th mass extinction है, ऐसा माना जा रहा है कि ये human activity की वजह से होगा या शुरुआत इसकी हो चुकी है. Alright, the 6th which is ongoing is referred to as the most serious environmental problem since the loss of species will be permanent. इसके अंदर जो loss of species है वो permanent हो जाएगा. And the study shows that 515 species of vertebrates are on the brink of extinction and they will be lost in the next 20 year. अगले 20 सालों में vertebrates के 515 species ऐसे होंगे जो कि extinct हो जाएंगे. And the study also reveals that over 400 vertebrate species went extinct in the past 100 years, जिनको normally evolutionary time frame के हिसाब से 10,000 साल लगने चाहिए थे. Alright, so 400 वर्टिब्रेट स्पीशीज जो है एक्सटिंक्ट हो गए पिछले 100 साल में जिनको 10,000 साल लगने चाहिए थे। एक्सटिंक्शंस हैव एक्सेलरेटेड सिंस द 1800s एज वी हैव यूज्ड आवर ग्रेटर इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस टू इनडिस्क्रिमिनेटली डिस्ट्रॉय बायोडायवर्सिटी एंड एज अ रिजल्ट द अर्थ इकोसिस्टम सर्विसेज
and the growing human population is the main reason of this acceleration. 1800s के बाद से जो हमारी टेक्नोलॉजी और जो इंडस्ट्रियल बूस्ट आया है हमारी सोसाइटी में, उस बूस्ट की वजह से, उस प्रोग्रेस की वजह से जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उसको काफी नुकसान हुआ है, जो अर्थ का इकोसिस्टम है उसको काफी ज्यादा डेंट पहुंचा है. एंड व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ दिस मास एक्सटिंक्शन? ऑब्वियसली द इंपैक्ट्स आर वेरी डेंजरस. सो इंपैक्ट्स कैन बी टैंजिबल सच एज इन द फॉर्म ऑफ अ लॉस इन क्रॉप पॉलिनेशन एंड वाटर प्यूरिफिकेशन. If a species has a specific function in an ecosystem, the loss can lead to consequences for other species by impacting the food chain. अगर कोई एक किसी एक species का कोई specific function है ecosystem में, and of course हर एक species का कोई ना कोई function होता है ecosystem में, तो उसके loss हो जाने से पूरी की पूरी जो food chain है वो impact हो जाएगी. Effects of extinction will worsen in the coming decades as the resulting genetic and cultural variability will change entire ecosystem, and ultimately this leads back to humans. Who get less sustenance from nature. Alright, so these were some impacts of the sixth mass extinction, and let's move on to the question. So the question was, what is the primary cause of the proposed sixth mass extinction? So guys, the primary cause is the human activity. So option C, human activity, is the correct answer. Now let's move on to question number 4, which is about the direct seeding of rice that has been started by the government of Punjab. So the Punjab government has decided to deploy direct seeding of rice technique instead of the traditional transplantation of paddy this year. Why? ऐसा क्यों करा है? So guys, ऐसा इसलिए करा गया है because जो हमारे agricultural laborers हैं, उन्होंने क्या करा है? Reverse migration कर लिया है, यानी कि जो भी शहरों में laborers काम करते थे, वो अपने घर चले गए, अपने गांव चले गए, जिसकी वजह से जो laborers हैं, agricultural laborers हैं, उसके अंदर कमी आ गई है, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस का कदम उठाया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब. सो इट विल बी डन ड्यू टू द शॉर्टफॉल ऑफ एग्रीकल्चरल लेबरर्स ट्रिगर्ड बाय रिवर्स माइग्रेशन इन द वेक ऑफ COVID-19 पेंडेमिक. ओके, नाउ व्हाट इज दिस डायरेक्ट सीडिंग? सो अंडर दिस द प्री जर्मिनेटेड सीड्स आर डायरेक्टली ड्रिल्ड इनटू द फील्ड बाय अ ट्रैक्टर पावर्ड मशीन. ट्रैक्टर की मदद से जो प्री जर्मिनेटेड सीड्स है उनको डायरेक्टली ड्रिल कर दिया जाएगा. और जो कन्वेंशनल मेथड था उसमें क्या करते थे? फार्मर्स प्रिपेयर नर्सरीज वेयर द पैडी सीड्स आर फर्स्ट सोन एंड रेज्ड इनटू यंग प्लांट्स एंड दीज सीडलिंग्स आर देन अप्रूटेड एंड रीप्लांटेड 25 to 35 days लेटर इन द पडल फील्ड. राइट, जो कन्वेंशनल मेथड था उसमें बेसिकली फार्मर्स एक नर्सरी तैयार करते थे जिसमें पैडी सीड्स को पहले सोन करते थे और उसको यंग प्लांट्स में रेज करते थे और फिर वो जो सीडलिंग्स होती थी उनको अप्रूट करके रीप्लांट कर दिया जाता था 25 से 35 दिन के बाद. राइट, नाउ व्हाट विल बी द एडवांटेजेस ऑफ दिस डीएसआर डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस? यस, सो इट नीड्स लेस वाटर, इट नीड्स लेस लेबर. द कॉस्ट ऑफ हर्बिसाइड्स अंडर डीएसआर विल नॉट एक्सीड ₹2000 पर एकर. रिड्यूस मिथेन एमिशंस ड्यू टू अ शॉर्टर फ्लडिंग पीरियड एंड डिसीज्ड सॉइल डिस्टर्बेंस कंपेयर टू ट्रांसप्लांटिंग राइस सीडलिंग्स. राइट, सो दीज आर सम एडवांटेजेस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज. Non-availability of herbicides, those pesticides which are used to kill unwanted plants like weed. अगर मान लो कोई unwanted plants आ गए weed, तो उनको kill करने के लिए कोई भी pesticide नहीं होगा. The seed requirement for DSR is also high. 8 to 10 kg लग जाता है per acre compared to 4 to 5 kg per acre in transplanting. And there will be need of laser land leveling in DSR which is not used in transplanting. जो transplanting है उसमें laser land leveling का use नहीं होता, लेकिन DSR में ये चीज compulsory है. So these are some disadvantages. Now what was the question? Question was why it has been done. So guys, it has been done due to the shortfall of agricultural laborers due to the reverse migration of them because of coronavirus pandemic. Okay. Now let's move on to question number 5, which is the last question for today. आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी, द स्मार्टी वी ऑल नो इज वाई एस जगन मोहन रेड्डी, लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. इट इंश्योर्स 100% सेफ डिस्पोजल ऑफ विच वेस्ट. किस तरीके के वेस्ट को ये 100% सेफ डिस्पोजल करेगा, जो कि जगन मोहन रेड्डी ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे विच वॉज ऑन 5th June. ओके, नाउ कैन यू टेल मी द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरमेंट डे? इस साल का जो वर्ल्ड एनवायरमेंट डे था उसका थीम बता सकते हैं आप लोग? राइट डाउन इन द कमेंट्स. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस. सो द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टू इंश्योर 100% सेफ डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्टेज. जो हमारा आंसर है क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियल टॉक्सिक वेस्टेज. इट विल हेल्प द अथॉरिटीज टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट
यूजिंग द टूल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लेटफॉर्म. जो भी अथॉरिटीज हैं उनको हेल्प करेगा ये टू मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट यूजिंग द टूल्स इनकॉर्पोरेटेड इन द प्लेटफॉर्म. एंड व्हाट आर द की हाइलाइट्स, सो दिस प्लेटफॉर्म विल बी हैंडल्ड बाय द आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन और वी कैन से APEMC. इट विल इंप्लीमेंट द प्रोग्राम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ 6 आवर्स. ये 6 आवर्स आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इन द चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. सो ये 6 आवर्स का मतलब क्या है, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल रिफर्बिश रीडिजाइन एंड रीमैन्युफैक्चर. द APEMC विल स्ट्रीमलाइन कलेक्शन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, सॉर्ट एंड स्ट्रीमलाइन द वेस्ट एज हजार्डस और नॉन हजार्डस और ई वेस्ट अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी एंड देन साइंटिफिकली डिस्पोज इट ऑफ एट वेरियस वेस्ट डिस्पोजल सेंटर्स. सो बेसिकली APEMC क्या करेगा, वो वेस्ट कलेक्ट करेगा फ्रॉम द इंडस्ट्रीज, उनकी सॉर्टिंग करेगा एज हजार्डस नॉन हजार्डस और ई वेस्ट एंड देन फिर उसको साइंटिफिकली डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा एट द वेरियस वेस्ट डिस्पोजल सेंटर्स. ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट दिस वेस्ट डिस्पोजल फॉर्म व्हिच हैज बीन लॉन्च्ड बाय आंध्र प्रदेश वेस्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. सो नाउ व्हाट वाज द क्वेश्चन, इट इंश्योर्स 100% सेफ डिस्पोजल ऑफ विच वेस्ट. सो गाइज द करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल वेस्ट. ऑप्शन ए इंडस्ट्रियल वेस्ट का ये 100% सेफ डिस्पोजल करेगा. ओके so guys, that was the session today. I hope you like it. For more updates do subscribe our channel and press the bell icon. Thank you so much for watching. Ghar pe rahe, haath dhote rahe, mask pehne rakhe. Goodbye, take care and God bless.